उसी सतगुरु जी का गुणगान जैसा भी है तो करने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि सतगुरु सहमति का रस सुनना, सतगुरु जी का रस ग्रहण करना एक कर्म है बहुत बड़ा, जिहड़ा कि साडे जीवन विच सानू सतगुरु जी दे नाल जोड़दा है। इसलिए गुरुआं दे बचनां दे अनुसार उहनां दी 17वीं बरसी ते गुरु महाराज दे दर्साए हुए बचनां दे अनुसार मैं दुपहर दे सत्संग विच बंदी छोड़ साहिब कबीर साहब महाराज जी दे पावन जीवन संबंधी थोड़ा जिहा संखेप रूप दे विच कह रहा था। सतगुरु जी का जीवन बहुत लंबा जीवन है, उन्होंने जीवन में एक एक दिन दे किन्ने किन्ने चमत्कार हैं, कैसा कैसा उपदेश है। ये तो सारा जीवन असी हजार मुखां दे नाल भी लगे रहे तां भी गुणगान नहीं कर सकते। बंदी छोड़ साहिब महाराज जेड़े के उस समय दे सब तो बड़े गुरु, साडे हिंदुस्तान दे हिंदू सनातन दे सब तो मुख, सब तो बड़े गुरु रामानंद जी महाराज, जिन्हां नूं के उस मालिक दे दरबार दे दर्शन करा के अपने मार्ग ते चला दिता, निर्गुण ब्रह्म दे मार्ग दे नाल जोड़ दिता, सरगुण मार्ग तो ठा के निर्गुण ब्रह्म दे नाल जोड़ पूर्ण ब्रह्म दे नाल जोड़ दिता, जिथे सतगुरु जी जोड़ते हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म के सब तो बड़े जो कि उन्होंने पीर थे शेख तकी, उन्होंने नाल संपर्क हो गया। सिकंदर लोधी बादशाह हिंदुस्तान का सम्राट था, उहदे नाल संपर्क हो गया। उन्होंने बहुत वीर साहब जी महाराज की परीक्षा ली, 52 परीक्षा मुख दसियां गई हैं, जिन्हां विच एक भी परीक्षा दे विच प्राणी जीवित नहीं रह सकता शरीर करके, लेकिन सतगुरु जी शब्द स्वरूप विच थे तो सारिया परीक्षा दे विच उन्हां उन्हां दा एक बाल भी कोई बिगाड़ नहीं सके। हो आखिर विच शेख तकी शाही पीर जिहड़ा है उन्हां दा शिष्य बन गया, सिकंदर बादशाह उन्हां दे शिष्य बन गए, सम्राट हिंदुस्तान का उनका शिष्य बन गया कबीर साहब जी का। ऐसा सतगुरु जी की बाणी दे विच सारा ही ये वार्तालाप आ रहा है पारख दे अंग विच। तो ऐसे सतगुरु जी बहुत बड़े जीवन का, उन्होंने बहुत बड़ा जीवन है 120 साल का, वो दे विच बहुत जीवन का उद्धार करके सतगुरु जी ने बेअंत बेअंत बाणी की रचना करके अज असी बहुत बड़े आकार दे विच सतगुरां दी बाणी नूं सुन रहे हाँ, पढ़ रहे हाँ। बहुत तरह के ग्रंथ कबीर साहब जी महाराज के उच्चारण किए हुए पढ़ रहे हैं। आखिर विच सारा जीवन बसे है कासी, अंत समय मगर के वासी, मगर दा भरम दूर करन वास्ते, क्योंकि उस समय दे धर्म गुरुआं ने एक हवा उड़ा दित्ती थी कि जिहड़ा मगर विच मरेगा वह गधा बनेगा, जिहड़ा काशी विच मरेगा वह मुक्त होवेगा। भगती की महिमा खत्म, काशी का मगर का ही रह गया कि मगर दे विच मरना ठीक नहीं, काशी विच मरना ठीक है, मुक्ति हो जाऊगी। राम नाम जपने की लोड़ नहीं, भगती करन की लोड़ नहीं, प्रभु दे उस मालिक का सिमरन करन की लोड़ नहीं है। उहदा कारण भी दस दिता कि मगर दे विच मगर की धरती के उपर त्रिशंकु राजा उल्टा लटक रहा है। त्रिशंकु राजा विश्वामित्र का बड़ा श्रद्धालु शिष्य था, विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी ताकत वाले थे, महान राज ऋषि थे। उन्होंने त्रिशंकु ने कहा कि महाराज इस शरीर के नाल ही मैनू स्वर्ग लोक दे विच इंद्र लोक दे विच भेज दो। तो उस वेले विश्वामित्र जी ने मना भी किया, लेकिन वो राजा हठ करता था, उसकी श्रद्धा देखते हुए विश्वामित्र ने अपने हाथ पर रख के उन्होंने
इंद्र इंद्रपुरी नूं भेज दिता, उहदी ताकत दे नाल अपने तप नाल भेज दिता, लेकिन राजा इंद्रपुरी दे विच रहण दे लायक नहीं था। उहदे मन दे भावना वगैरह जिहड़ी थी ओह इंद्र लोक दे मुताबक नहीं थी, इसलिए उत्थे पहुँचदे सारे ही उत्थे दे देवतियां ने कहा कि ये मात लोक दा आदमी जिहड़ा है इस भावना दे नाल रहण वाला इत्थे नहीं रह सकदा, इसको वापस भेज दिता, हुण इहदी इत्थे रहण दी तपस्या नहीं है, दूसरी तपस्या नाल उन्हें वापस भेज दिता, उत्थों धक्का दिता, उल्टा लटकदा होया थले आ रहा है, अपने गुरु नूं पुकार रहा है, तो गुरु ने उत्थे रोक दिता, वध विच लटक गया। कहिंदे उहदियां जिहड़ियां मूंह दियां लाला थियां वह मगर विच गिरियां, इस करके पवित्र धरती है उत्थे कोई ना मरियो। कबीर साहब जी कहिंदे असीं उत्थे मरन वास्ते जा रहे हां जिथे दुनिया मरने ते डरदी है। मगर दे विच चले गए, बेअंत बेअंत संगतां चली गईयां, सरदालू सारे चले गए, सारे दे शंके दूर हो गए, ते दुनिया कोई अंत नहीं कि किन्नी क दुनिया कबीर साहब जी महाराज नूं मनन लग गई थी। तो उस वेले गरीब दास महाराज जी ने उस समय दा शब्द कहा है कि राम कबीर कुछ अंतर नाहीं, राम विच कबीर विच कोई अंतर नहीं। जिस राम नूं असीं मिलना है, जिस राम दे नाल प्यार करना है, जिस नाल राम नाल संपर्क करना है, जिहड़ा राम साडा मालक है, हाविंद है, उस राम दे विच कबीर विच कोई अंतर नहीं है। हाँ जी, मिले स्यों दे तन मगर माई, समेत देही दे मगर विच जाके लीन हो गए। काम दल वस किया, क्रोध जन कस लिया, लोभ और मोह बिगार मारे, माया का मान गुमान भजन किया, धनी कबीर को अतर त्यारे। जड़ा नहीं भी तरन वाला था कोई, उन्होंने भी तार दिता सतगुरु जी ने। सारे विकार जिन्हें थे सब कंट्रोल विच थे, उन्होंने संसार का कोई विकार उन्होंने नेड़े नहीं आ सकता था। माया का मान भी उन्हें तोड़ दिता, इस मात लोग दे विच शरीर धारण करके माया उन्होंने कोई असर नहीं कर सकी। धनी कबीर को अतर तारे, मगर में मरे सो गधा रहा होते हैं, दई तलाक लिख लोकपालंग। लोकपाल कहते हैं उस टाइम के धर्म गुरु जिन्ने थे, उन्होंने सारे ने फरमान कढ़िया था कि उत्थे गधा बनूगा मरन वाला। परे तरशंक जो ब्रह्म की कल्प से गए जमलोक की ये भक्षण कालंग। कहते तरशंकु दा अपशाप दे विच आके वो देवत्यां दे अपशाप नाल उल्टा लटकिया होया, इस करके वो अवगता हो गया है, इस करके मगर विच कोई ना जायो, मरियो ना। परे त्रिशंक जो ब्रह्म की कल्प से गए जमलोक ये भक्षण कालंग, मगर में मरे सो जाए जमलोक को, लोक पालंग किए वचन यही, मुक्ति के धाम को शाड मगर गए, अजब साका किया पद स्नेही। कहंदे अजब साका होण लग्या, कबीर साहब जी वालों एक अजब साका होण लग्या, जिहड़ा दुनिया कोई करे नहीं रही। कोई कोई बड़े बड़े धर्म गुरु भी इस भरम तोड़ नहीं सके, बहुत लंबे समय तो चल रहा था वो भरम मगर दी धरती वास्ते। तो अकल अनभूत जमदूत जासे डरे, जमदूत भी जी तो डरते हैं, 14 कोट धर्मराज कंपे, दास गरीब कबीर सके पति, काल महाकाल नहीं सीम चंपे। काल और महाकाल भी नेड़े नहीं आ सकता उन्होंने, ऐसे सतगुरु मगर भी जाके लौलीन होए। तो 200 साल बाद गरीबदास महाराज के रूप च प्रगट होए, 200 साल होली दे दिनां विच सतगुरु जी ने होली दे दिनां च फगण दी पूर्णमासी नूं वो एक परीक्षा लई थी, जलूस दे रूप विच उत्थे सारे शिष्य फेल हो गए। ये सतगुरु जी ने बाद च बचन किया कि भई अच्छा इस जीवन विच फेल हो गए है, इन्हां वास्ते फिर 200 साल बाद आवांगे, उपदेश दे के इन्हां नूं सही भगती नाल ला के इन्हां दा शंका साडे प्रति जो बन गया उन्हों दूर करांगे, फिर इन्हां दी मोक्ष करांगे। तो 200 साल 1575 तो 1774
1774 विच 200 साल हो गए थे, क्योंकि 1575 विच सतगुरु जी ने मगर दे विच श्री नो लोप कर लिया था। लेकिन 1574 विच एक साल पहला शिष्या की परीक्षा ली थी, तो पूरे 200 साल हो गए 1774 विच फगण दी पूर्णमाशी 200 साल हो गए थे। उसके 2 महीने बाद वैसाख दी पूर्णमाशी नूं सतगुरु जी द्वारा सुराणी धाम दे विच प्रगट हो गए। कैसी अमृतमय बाणी दी रचना कीती है, इस बाणी तो ही सतगुरु दी महिमा सारी सानूं सुणन वास्ते मिलदी है। ऐसे सतगुरु जी दी किरपा दी महिमा, तो सतगुरु जी ने कबीर साहब महाराज दे अवतार दा जिन्ना भी रहस था जिहड़ा नष्ट वरस कीता जा रहा था विरोधियों वालों, उस वार दोबारा फिर बाणी विच उच्चारण कर दिता, सारा सत कथा उच्चारण कर दिती सारी, जिहड़ी कि पारख दे अंग विच भी आंदी है, होर जगह भी बहुत आंदी है। तो गरीबदास साहब जी महाराज ने अनमोल बाणी दी रचना कीती साडे सिडाणी धाम तो स्वामी विवेकानंद महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य ओम जी अपने परिवार समेत सतगुरु जी के दरबार में आए हैं, गुरु महाराज की बरसी से पहुँचे हैं। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सतगुरु जी सिडाणी धाम के जाट घराने जिमीदार बनकर आए, गृहस्थी बनकर आए, ताकि संसार विच ये भी शंका कोई ना रख लवे कि असी गृहस्थी हैं, साड़ी मुक्ति नहीं हो सकती, असी भगती नहीं कर सकते, साडे बाल बच्चे है, ब्याह शादियां करनिया, असी सब कुछ ही था, 4 बेटे 2 बेटियां उनकी शादियां भी कीतियां सतगुरु ने, लेकिन नाल नाल निर्लेप रह के ऐसी अमृतमय बाणी की रचना की थी। आखिरी जीवन दे विच रचना होई, बस संगतां नूं सब नूं पता लग गया, शिष्यां नूं, फिर सतगुरु जी 61 साल 3 महीने की अवस्था विच ही जाण वास्ते हुकम कर दिते। फिर शिष्यां ने बहुत ही दुख मनिया, कहण लगे महाराज थोड़ा समां तो होर रुक जाओ, तो लेकिन आप ही उन्हां दी जवान ते बैठ गए। एक शिष्य ने उठ के खड़ा होकर कहने लगा कि 6 महीने का होर टाइम दे दो, चलो कहते 6 महीने होर रुक जाएंगे, दोबारा ना बोलियो। 6 महीने बाद बिल्कुल ऐसा नौजवान गुरु महाराज जी का जिदा 72 साल की उम्र नौजवान शरीर था, और सतगुरु जी तो सतगुरु थे, कृष्ण भगवान जैसा सुंदर शरीर था, बहुत बड़े शहनशाह राजकुमार जैसा शरीर था गरीबनाथ साहब जी महाराज का, तो लेकिन उन्होंने मुझे कोई बोल नहीं सकता था, बिल्कुल नौजवान सुंदर तंदुरुस्त अवस्था के सारी संगतान उपदेश करके चंदन की चिखा देते आप जाके लेट गए। बेटे नु कहंदे ला दे भाई अग्नि ला दे, अग्नि लाई, अग्नि लाटा निकलिया, उहदे विचों शरीर गैब हो गया, जाके सहारनपुर जाके साधे जे रूप में गरीबदास महाराज के नाम नाल फिर प्रगट हो गए। 35 साल तक सहारनपुर के रह गए, सतगुरु की माया ऐसी चलाई हुई कि सिडाणी तक मुड़ के पता नहीं लग्या कि उही है, ये दस्या ही नहीं कि असी उही सिडाणी धाम तो इत्थे आए हैं, एक सेवक की भावना पूरी करने वास्ते सहारनपुर पहुँच गए। तो ऐसे सतगुरु जी हैं, उन्होंने बारे च असी क्या कह सकते हैं, क्या जान सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोलना ही औखा है। सतगुरु की महिमा मैं क्या जानूँ, हर सर चरणों चित लाऊँ। तो ऐसे बंदी छोड़ महाराज धर्मराज ने वार्तालाप कर रहे पतिवरता के अंग विच, पतिवरता रमैणी दे विच सतगुरु गरीबदास महाराज जी कह रहे हैं कि जब लग हंसा हमरी आना तब लग लगे ना तुमरा बाणा। है धर्मराज, जिस हंस नूं साडी आण है, आण कहिंदे है साडी साडे प्रति श्रद्धा है, साडा जिहनूं डर है, जिहड़ा साडे प्रति श्रद्धा रखदा है कि मेरे सतगुरु है, नाराज़ ना हो जाण, मेरे साडे प्रति जिहदा भाव बणिया होया है, ऐसे हंस नूं
तू पकड़ नहीं सकता, तेरा बाण उस हंस ते लग नहीं सकता। जब लग हंसा हमरी आना, तब लग लगे ना तुम्हारा बाणा। दो ही देर भरे हूं कारा, जिन हंसों की चढ़े पुकारा। जेड़ा कोई हंस पुकारदा सानू, साढ़े नाम की दुहाई दिंदा है, उत्थे कहिंदे हाजिर हुंदे हाँ, असी उसी वेले हाजिर हुंदे हाँ। कोट कटक करहूं पैमाला, जमकिंग करके तोड़ू जाला। कहिंदे ऐसे हंस दे मार्ग दे विच जेड़े करोड़ा किस्म दे कंटक हन, दुख हन, रुकावटा हन, उन्हां नूं असी पैमाल करदे हाँ, खत्म कर देंदे हाँ। उन्दा रास्ता साफ हो जांदा साडे पास आण दा। कोट कटक करहूं पैमाला, जम किंकर के तोड़ू जाला। जमन दे जाल तोड़ दिंदे हाँ। 14 कोट बांध जम लियाऊं, धर्मराज को त्रास दिखाऊं। कहिंदे 14 करोड़ जिहड़े धर्मराज दी जिहड़ी जमां दी सेना है, सारिआं नूं असीं अपने बंधन विच लै लैंदे हाँ, साडे बंधन तों बाहर नहीं है। 14 कोट बांध जम लियाऊं, धर्मराज को त्रास दिखाऊं। धर्मराज भी थर थर कंबदा है। 14 भवन दुहाई गाजे, जिसकू सुन जम किंकर भाजे। 14 लोकां दे विच कोई भी हंस किसे लोक दे विच कहिंदे साडे नाम की दुहाई करता है, साडा नाम उच्चारण करता है, सानू पुकारदा है, उन्हूं सुन के जम किंकर दूर भज जाणगे, खड़नगे नहीं। कबीर साहिब का नाम सुन के जम किंकर नेड़े खड़ नहीं सकते। साडा नाम सुन के बंदी छोड़ नाम सुन के जमदूत भज जाणगे। 14 कोट दुहाई गाजे, जिसकू सुन जम किंकर भाजे। भई भगती भी जो होवे हंसा, कोट्यों जीव उधारे वंसा। जिहदे हिरदे च भगती का बीज है, सतगुर की भगती है, सतगुर का प्रेम है, सतगुर का बारंबार सिमरन करता है, रोज़ सिमरन करता है, सवेरे करता है, शाम को करता है, लगातार लगन लगी हुई है सतगुर के चरणों में, वो भगती का बीज बीज रहा है। भगती बीज जो होवे हंसा, कोट्यों जीव उधारे वंसा। कहिंदे अपने वंश का भी वह कल्याण कर लैंदा, अपने टब्बर का भी, आप तो उन्हें कल्याण करना ही है, उहदे परिवार का भी नाले कल्याण हो जाता। उधरे हंस पार हो जाई, पव सागर में बहर ना आई। कहिंदे हंस उन्हां दा आधार हो जाता, फिर पव सागर च फिर नहीं आ सकते, चक्कर दे विच नहीं पै सकते, दुनियादारी दे दुखां दे विच नहीं फसणगे। वो पव सागर में बहर ना आई। फिर सतगुरु जी कहिंदे गरीबदास साहिब, शब्द हमारा मन है, जाके हिरदे हेत अमर लोक पहुँचाए हूँ, रूप धरत हूँ सेत। कहिंदे उस जीव नूं जिहड़ा साडे शब्द नूं मनदा है, जिहदा जिहदे हिरदे साडा प्यार है, विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, उन्हों असीं कहिंदे अमरे अपने अपने लोक विच लै जांदे हां। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, सतगुर दे प्रति साडा प्यार, साडा भाव, साडी श्रद्धा, साडा प्रेम बन गया ते समझ ओपरा रह गया। ओपरा प्यार जिहड़ा है टुट जांदा, वो लांदा मुड़ के फिर टुट जांदा, लांदा मुड़ के फिर टुट जांदा, लांदा के फिर टुट जांदा। क्योंकि मन और माया, आदमाया और धर्मराय कह दो, निरंजन कह दो, वो मन और माया दो ही है, दो ही शक्तियाँ संसार विच कर्म कर रही हैं। जो मन और माया का जाल बिछिया है, मन और माया का जाल है सारे संसार विच, ये मन और माया दो ही खिंच रही हैं संसार वल नूं। वो प्राणी ओपरी भगत ओपरे प्यार दे नाल लगदा है सतगुर वल नूं, मुड़ के फिर उत्थे पहुँच जांदा, लगदा उत्थे पहुँच जांदा। बहुत लोग आते कि महाराज नाम तो ले लिया, मन तो लगता नहीं है, समस्या तो उत्थे ही आ गई ना। मन ने तो संसार बनाया, मन माया ने तो संसार खड़ा किया होया, वो छड़ूगा किदा, संसार नूं किदा छड़ूगा वो। ये तो सतगुर के प्यार दे ओर नाल छुटना है। सतगुर का प्यार ही इन्ना बन जाए कि मन माया जिहड़ी है फिकी लगन लग पवे,
मन माया झूठी लगन लग पवे, मन माया थोड़ी होछी लगन लग पवे, तद जाके सतगुर का प्यार भारा हो जाए, तद बात बननी है भी नहीं बननी नहीं है। राम ही थोड़ा जान के दुनिया आगे दीन, कहते प्यार राम नाल नहीं था, उन्होंने थोड़ा जान लिया, राम नू थोड़ा जा जान ले भी उसको कुछ नहीं है। राम ही थोड़ा जान के दुनिया आगे दीन, लोगों के मोहरे मंगता फिरदा, कभी किसी तो मशक्कत करता, कभी किसी की करता, कभी कुछ करता, कभी दुनिया आगे दीन। अजीबा सो राजा कहे माया के अधीन, माया दे विच, इसलिए मन माया का पलड़ा भारी हो रहा। फिर उत्थे तां वे शिकायत आनी है भी मन लगता नहीं है, भाई नाम भी ले लिया लेकिन नाम लेके भी मसला हल नहीं होया, बदलाव तो कोई आया ही नहीं। बदलाव करने वास्ते ही सत्संग है, बदलाव करने वास्ते ही जानी जानकारी है। यही जानकारी जिहड़ी है देने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव किदां लेना, असीं सतगुर दे नाल साडा प्यार किदां वधूगा, किदां पलड़ा भारी होगा सतगुर दे नाल। तो सतगुरु जी कह रहे हैं कि शब्द हमारा मन है जाके हिरदे हेत, कहिंदे अंदर प्यार है फिर वह शब्द मनेगा साडा, जिहदे हिरदे च प्यार बन गया साडा उही शब्द मन सकदा, दूए ने मनना ही नहीं। दूए का मन जिहड़ा है उन्हें जदे दूए पासे ले जा के दुनिया फसा देना। तो उसको अमर लोक पहुँचाए हूँ रूप धरत हूँ सेत, इसलिए बंदी छोड़ महाराज की महिमा तो क्या जानिए, एडा बड़ा ग्रंथ है उस महिमा ही है, जब मर्जी सुनी जाओ नो ओदी महिमा है। ऐसा ऐसा हाल, ऐसा सतलोक दा, सच अनन मार्ग दा, गुंगनी मार्ग दा, उपले लोकां दा, सारे जाया है, कहिंदे सारी जगह साडे पासा है। आरती विच कहिंदे कुछ भी था नहीं, उस वेले भी असी थे, उस साहब दे दरबार दे खवास सेवादार, उस शहर दे साहब दे उपर चौर कर रहे थे। जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख जुगन परलो परवाना, संख जुग बीत गए परलो विच, सत पुरश दे नाल रहिंदे नूं सानूं संखें जुग बीत गए, दास गरीब कबीर कचेरा, सत लोक अमरापुर डेरा, सत लोक विच अमर लोक विच, अमर लोक तो सतगुरु जी आए है, अमर लोक तो सतगुरु आए। ऐसे सतगुरु जी तीसरे रूप में जदों आए इस रामपुर धाम दे विच, इस धरती ते इस नगर दे विच आए, छोटे जे नगर विच माता पिता तन है जिन्हां दे पास सतगुरु जी आए, साडे गुज्जर समाज विच आए, पोसवाल परिवार विच आए, किड्डा बड़ा माण इस समाज किड्डा बड़ा माण बख्शिया सतगुरु जी ने, सतगुरु होण दा माण मिलिया। असीं तां देखदे हां इतिहास नूं कि कृष्ण भगवान जी आए थे, वह भी क्षत्रियां दे घर जन्म लैके अवतार लैके माता देवकी पिता वासदेव दे घर, लेकिन उन्होंने बचपन जिहड़ा है अपनी लीला ऐसी बरताई थी कि इस समाज विच गुज्जर समाज विच आके गोकुल दे विच माता यशोदा दे पुत्र कहलाण लग गए। जिहड़ी बाल लीला है कृष्ण भगवान की इस समाज विच होई है, क्योंकि इस समाज नूं शरदा प्यार उत्थे उन्हां दे हंस आए हुए थे, आत्मा वो आईयां थी, अति प्यारियां हंसां इस समाज विच आईयां थी, उन्हां नूं आनंद बख्शन वास्ते अपनी प्यारी लीला बख्शन वास्ते कृष्ण भगवान गोकुल गांव विच बचपन दा उन्हां दा बड़ा पावन जीव जीवन जिहड़ा है 21 साल का जीवन जिहड़ा है वह इस समाज में बीतिया। उसके बाद तो फिर योद्धा रूप में युद्ध किए हैं कृष्ण भगवान ने, फिर प्रभु वाली लीला दिखाई है, लेकिन उत्थे बाल लीला प्रेम लीला दिखाई है गुज्जर समाज में। उस बाद पूरा इतिहास देखते जाइए, बहुत बड़े सूरबीर होए हैं इस समाज में, होर पीर फकीर बहुत होए हैं, साधु समाज बहुत होया होगा, लेकिन पूर्ण ब्रह्म सतगुरु, पूर्ण ब्रह्म सतगुरु जिहड़े कृष्ण भगवान की अवतार जयंती वाले दिन ही अवतार धारण करके
इस नगरी विच सतगुरु जी आए इस कलयुग विच हुण तो 160 साल पहला इस नगर विच आए इस समाज विच आए ऐसा बड़ा पूर्ण ब्रह्म सतगुरु और कोई ए इस समाज के इतिहास विच नहीं आए है। तो ऐसे सतगुरु जी साढ़े बन के आए तो सतगुरु जी 20 साल तक इत्थे रहे शायद कृष्ण भगवान भी इन्ना समय बचपन की लीला च रहे होंगे इत्थे बाल लीला सतगुरु जी ने गुप्त रूप भी की है कि सतगुरु जी गुप्त रहते हैं हमेशा। कबीर साहब जी गुप्त रहे गरीबदास महाराज जी गुप्त रहे पुरी वाले महाराज गुप्त अपने मुँह तो नहीं पुछ दस्या ही नहीं पूरा बाल लोगों ने जिन्हें बुझ लिया जरा रह गए सतगुरु जी। अरे संसार की मान बढ़ाई उन्होंने मोरे क्या है मान बढ़ाई काग की बिष्ठा काग की बिठ जैसी समझते हैं इस मान बढ़ाई ने सतगुर लेकिन सतगुर के चरणों का प्यार करने वाला जो हंस है अस वो उन्हों का प्यारा होंदा है। तो सतगुर जी पहला दिव जोत विच माता नूं दर्शन दिंदे थे फिर बाल रूप विच दर्शन देन लग गए। वो माता ही धन है जिहड़ी 20-21 साल तक वो माता बाल रूप विच अपने पुत्र रूप दे विच उस सतगुरु नूं भोजन करांदी सी। सतगुरु नूं भोजन माता नहीं कराया है 21-22 साल तक। वो माता धन है वो पिता धन है जिन्हें अपनी गोद विच सतगुरु नूं खिलाया है। ऐसे माता पिता धन हुंदे हन इसलिए असीं रोज़ धन धन बोलते हाँ माता पिता दी खून महाराज करदे ते कितें गाहां पे कित्थे हन महापुरश कित्थे है संत जन गाणा असीं वो पिछले जन्म का सारा ही प्रोग्राम बनिया होया। सतगुरु गरीब दास महाराज जी जदों समाए हन 1835 संबत विच गरीब दास महाराज हो गए अपने जीवन को लोप कर लिया जेडे के शराणी का नाम नहीं मुड़ के लिया पता नहीं लग्या लेकिन शराणी धाम तो लोप हो के 84 साल बाद 5वीं 6वीं पीढ़ी आ गई थी शिष्या की 6वीं पीढ़ी से 7वीं पीढ़ी से जाके स्वामी दयानंद महाराज जी के रूप च गरीब दास महाराज जी वहाँ पे प्रगट हो गए। आप इस रूप में आए हुए थे गंगा राम के रूप आप उधर प्रगट होए हुए थे कोई उस टाइम टेलीफोन मोबाइल नहीं थे कि महाराज ने इतने मोबाइल से पता कर लेगा रोपड़ के जंगल में संत खड़े है जेडे मेरे गुरु बन रहे ना वो प्रोग्राम सब पहले बने गुप्त रूप के चल रहा था महाराज तो कितने गए नहीं स्कूल में पढ़े नहीं इतों पशुओं ने छड़ के उत्थे लै जाते थे या खेतों जिमीदारा के काम करते ਇੱਥੋਂ ਨਿਕ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਥਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਥਾ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਥਾ ਉਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਪੂਰਾ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਖਤੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਥੇ ਬਸ ਜੋੜਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਥਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਰਮ ਛਾਲ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ
आप ही लै जाए चक्कर जिन्हें रख्या रख्या चक लै जाओ जिन्हें ले जाना लाओ। तो सतगुरु जी जैसा ब्रक्त भी कोई नहीं हो सकता। सतगुरु जैसा जो सतगुरु कर दे वो कौन कर लूगा। असी जिन्ने मर्जी पखंड करके दे ले पैसे नहीं हथी लाते सी ऐनी करते सी ऐनी कोई नहीं कर सकता ऐसा। सतगुरु तो सतगुरु है भाई, सतगुरु जैसा कोई नहीं है। इसलिए सतगुरु की लीला न्यारी है। सो सतगुरु बंदी छोड़ महाराज पुरी वाले सतगुरु ब्रह्म सागर महाराज जी 12 साल तक लगातार अखंड समाधि कजली बन दे विच जिहड़ा कि बड़ा भयानक बन है हरिद्वार तो अगे जिहदे च हाथी हाथी बड़े घूमते हैं उस कजली बन दे विच जाके अखंड समाधि दे विच लीन हो के उस पार ब्रह्म दी आराधना विच बंदगी दे विच लीन हो के 12 साल तक उत्थे रहे। ऐसा ही इतिहास असी सुनते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं। 12 साल बाद माता जी नूं मिलन वास्ते आए क्योंकि माता जी 21-22 साल तक अपने पुत्र नूं पाल के नौजवान देख के विछोड़े ते सहन नहीं कर रही थी। रो रो के उहदी अखां अन्नियां हो गई। 7-8 साल बाद नज़रे चली गई रोंदी दी। रोज़ ही रोना रोने दा ही उहदा नितनेम बन गया था। गंगा राम नूं रोंदी सी गंगा राम गंगा राम गंगा राम। अखां दी नज़र भी 7-8 साल बाद दादे चली गई थी। 12 साल बीत गए माता नूं उम्मीद ना रही कि हुण मेरा पुत आऊगा कि नहीं आऊगा पता नहीं। लगता है कि अनुभव कि वह साधु रूप दे विच है लेकिन मेरे पास आऊगा कि नहीं आऊगा। मेरा पुत निर्मोही है उन्हें मेरे पास आना कि नहीं आना पता नहीं। तो सतगुरु जी 12 साल बाद उसी तरह सीधे आ जड़ी डूंगी जी गली जाती है अवतार स्थान नू। इस राते के अगे डेढ़ी थी सारा पिंड कट्ठा बसया हुआ था लाल लकीर दे विच। डेढ़ी लंघ के सीधे माता दे पास चले गए। शाम का समा था माता परछावे अज घर के परछावे दे विच मुर है पीढ़ी ते बैठी थी। जाके हरी नारायण की आवाज़ लाई माता ने एकदम पुत्र की आवाज़ में पछाण लिया। अन्नी थी दिखता कुछ नहीं था बाकी परिवार का कख नू गया हुआ था। माता एकदम उठ के खड़ी हो गई जब हरी नारायण की आवाज़ आई कि हैं ये तो मेरे गंगा राम जैसा कोई बोलता है। उठ के खड़ी हुई सतगुरु जी ने आगे हो गए चरणों में स्पर्श किया। पता लग गया कि कोई संत उपरा नहीं है मेरा पुत ही है जिहड़ा मेरे पैरों हाथ लाता है। तो माता नो अनुभव हो गया कि मेरा पुत ही आया है मेरा पुत गंगा राम आ गया आज मेरे पास। लेकिन मैं देखा किदा हूँ रोन लग गई पुत मैं देखा किदा तेनों मैं तेरे चेहरे नो तेरे मुख नो किदा देखा मैं 12 साल बीत गए हूँ मेरी नज़र नहीं रही मैं क्या करा। तो सतगुरु जी ने कहिंदे अपने हाथ जड़ा है इदा पंजे जड़े हाथ अखां ते फेरे लै कहिंदे माता देख लै तू अपने गंगा राम नो। जद देखिया 32-33 साल दा लंबा 7 फुट जवान पूरा आ बहुत सुंदर रूप दे विच भगवें बाणे विच जोगिया पेश विच अपने पुत नू देख के थले तो उपर तक देखती रह गई देखती रह गई। जद सतगुरु जी मुड़न लगे माता रोण लग गई देखती। तो सतगुरु जी ने अपने पासों एक टुकड़ा कहिंदे कोई फुलके दा रोटी दा टुकड़ा था माता ने तल्ला माता खा लै। जद माता ने टुकड़ा मुँह विच पाया उन्हूं ब्रह्म ज्ञान हो गया। माता नूं ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता मां सतगुरु जी ने। उस टाइम उहदा हिरदा शांत हो गया अखां दे अंसू आने बंद हो गए ब्रह्म ज्ञान हो गया माता नूं। सतगुरु जी उसी टाइम परत के फटाफट पिंड तो निकल के वो थले जाके दसौंदी का खूह है दसौंदी किसाने का खूह उस खूह के कोल छप्परता टिहा होया एक पासे टिहा था एक पासे खड़ा था कंध दे उपर उहदे थले जाके बैठ गए क्योंकि सतगुरु जी बैठते ऐसी जगह थे जिथे किसी नूं कोई परेशानी ना आवे कोई पशु बनन दी किसी किस्म दी ऐसा ना समझे भई संत आके बैठ गया हुण तां सानूं दिक्कत आ गई। वह टहे छप्पर दे विच एक पासे नूं बैठ गए। तो परिवार शाम नूं आया
तो सारे परिवार को लैके माता बारंबार सतगुर के दर्शन करने वास्ते पुत के दर्शन करने वास्ते गई। होर पिंड वासी गए, पिंड जेडे उन्हें नाल दे हाणी थे जो जोड़ीदार थे कहन लगे गंगा राम 12 साल हो गए जंगलों घूमते कुछ खटिया भी कै उदे घूम घूम के आ गया। तो सतगुरु जी मुस्करा के कहन लगे अच्छा तुसी देखना है, कहिंदे दिखाता कुछ है तेरे को। हुण जिहड़े बराबर दे जोड़ीदार है उन्हां नूं क्या सतगुर की समझणगे, उह उन्हां वास्ते तां साडा जोड़ीदार ही है, साडा हाणी है, पशु चारने वाला असीं इकट्ठे हैं। तो सतगुरु जी कहिंदे अखां बंद करो, जद अखां बंद कीतियां अद्धे क मिंट बाद आवाज़ आई अखां खोलो, जद अखां खोलियां तां सतगुरु जी दे सारे अंग न्यारे न्यारे पए है, सारे अंग न्यारे न्यारे पए है। सतगुरु जी दे भाई दा पोता शंकर दास समा गया, उन्हें सारी गल दसी कि मेरे बाबा जी ने मैनू कली कली अख मेरे कन्न विच परोया होया है, सारा कुछ जो कुछ इत्थे होया है मेरे कन्न विच परोया है, सारा कुछ लिख लो तुसी, मेरी जिंदगी दा कोई पता नहीं लेकिन लिख लो जो कुछ मैनू मेरे बाबा जी कृपा राम ने दसिया है सतगुरु दी लीला। तो कला कला अंग हो गया, डर गए वो सारे साथी, डर गए कि तो साढ़े जमे गल आ जानी, पिंड ने कहना ये संत आया तो साढ़े पिंड वाले मारता ही नहीं, इन्हू कौन पट भज पे डर के। जब उत्थे तक भजे सतगुरु जी मुड़ के आवाज़ मारी, वो कहते सारे रुक जाओ कितने भजे तुसी, जब पिछे मुड़ के देखते तो महाराज बैठे उसी तरह मुस्कुराते है, मुड़ के आ गए। तो सतगुरु जी ने बचन किए ऐसा भी शंकर दास ने दसिया है कि और एक कहते एक एक, एक साढ़े नानके एक दादके एक साड़ी जुंडली दे यार, वो कहें साथी जड़े थे मेरे जुंडली दे कहिंदे इन्हां दी शंके नहीं दूर होने, बाकी तो जनता ने बथेरी ने तर जाना, एक नानके एक दादके एक साड़ी जुंडली दे यार इन्हां दे शंके नहीं दूर होने, इन्हें गंगा रामे समझी जाना सारे ने, आखिरी टाइम तक यही कुछ रहना इन्हें को। बचन करते सतगुरु ने वो दिखाई भी दे दिंदा हुण कुछ लेकिन सतगुर बंदी छोड़ महाराज दे आए तो कहते हैं ना एक ही कुला तर जानिया है, एक ही कुला तो पक्या तर दियाँ है। सतगुरु जी के पिता की कुल 7 पीढ़ियाँ तक, सतगुरु के माता की कुल 7 पीढ़ियाँ तक, सतगुरु के सेवक की कुल 7 पीढ़ियाँ तक, इदा एक ही कुलों तो कहते जन्म जिथे लै लिया सतगुरु ने उत्थे तर जानिया। एक सतगुरु तो तारन वाले आए हैं, उन्होंने बचन भी होंगे हैं लेकिन जिदे हिरदे च प्यार है, अज परिवार के हिरदे च प्यार है तो सतगुरु जी दया कृपा उसी तरह करते हैं। सारा परिवार सतगुरु जी का, सतगुरु जी के भाई का परिवार अज भी मौजूद है सतगुरु के लिए, पार ब्रह्म परमेश्वर लई सारा कुछ सारे श्रद्धालु हैं। तो मेरे सतगुरु बंदी छोड़ महाराज की लीला है, उन्होंने भरा कृपा राम जी बहुत सतगुरु के प्रेमी श्रद्धालु थे, जिया राम जी श्रद्धालु थे जिन्होंने बर ले थे सतगुरों तो मालेवाल जाके कि जदों जाना है मैनू नाल लेके जाई। बड़ा भाई था, बाप दे बराबर सी, ते मंगदा है सतगुर तो कि जदों तै जाना है मैनू नाल लेके जाई। महाराज नहीं बोले, तीसरी बार फिर कहा कि जदों जाना मैनू नाल लेके जाई, सुनिया ते सतगुरु कहिंदे चंगा नाल लेके जावांगे। ऐसा ही होया, सियाणा हो गया सी, पिता जी तो पूरे हो गए थे 7-8 साल दे लेकिन बड़ा भरा सी, बाप दी तरह जिम्मेवारी घर दी सारी वही करता सी जी आराम। तो बाबा कृपा राम जी एक दो बंदियां दे नाल सतगुरु जी का पता लग्या जरूर ताम उन्होंने चोला छड़ दिता है। पिछे तो
पता लग्या कृपा किथे गया। जिया राम पुछदा कृपा किथे है, कहिंदे सतगुरु पुरी वाले महाराज ने चोला छड़ दिता, जलूर उत्थे गए हैं, चला गया, मैनू छड़ गया। तो कहिंदे जदे ही थले वो कपड़ा बिछा के चादर लेकर लेट गया, जदे ही वो पूरा। ऐसे सतगुरु दे भरा, सतगुरु दे भरा भी पूरन, उन्हां दा नॉलेज चला गया, मैनू छड़ गया, जद लेटिया तो शरीर पूरा हो गया, जब देखते तो शरीर पूरा। ये मेरे सतगुर बंदी छोड़ महाराज का सारा परिवार ही एक पावन परिवार है। बहुत आज भी कृपा हो रही है सारी सतगुरु जी की महान दया कृपा, रामपुर धाम के बिच सारे पिंड से कृपा हो रही है, परिवार से तो कृपा होनी हुई है। पर मैं ये गल कहना है, इस पिंड जिहड़ा जन्म ले लवे वो बहुत भाग वाला है, पर जन्म लेके भी जे सतगुर का प्यार, बंदी छोड़ महाराज का प्यार, सतगुर पुरी वाले महाराज का प्यार हिरदे च ना बनिया तो साढ़े वर्गे माड़ा किस्मत वाला भी कोई नहीं है। फिर पिंड जन्म भी ले लिया, फिर सुके का सुका रह गया, तो वो किस्मत भी फिर बहुत ही खराब है, समझो किस्मत साथ नहीं दे रही। फिर रामपुर दे विच जन्म भी ले लिया तो सतगुर का प्यार भी ना बनिया हिरदे, सब कुछ हो के फिर मुड़ के फेल हो गया। तो ऐदा करके बंदी छोड़ महाराज ऐथे दो दिन तो पूरे रहे, तीसरे दिन दो दिन दे विच चौधरी राम लाल दे जन्मदिन का घर विच उन्हां दे प्रोग्राम था, सतगुरु जी उत्थे भी आए थे, घर दे विच भोजन किया सी, उन्होंने एक बेलड़े की रोटी लून पा के एक रोटी खाई थी। तो परिवार वालों दया राम जी वालों भंडारा होया था, बेटे दे जन्मदिन ते एक साल का होया था राम लाल, अज तक दे पोते पड़ोते हैं। तो वह भी दसदे आ सतगुरु जी उत्थे दसौंधी दे खूतपुर तो आए थे, परिवार की प्रार्थना सुन के खीर कड़ाह बनाए हुए थे, सतगुरु कहन लगे असी नहीं खाना कुछ भी पाइए, जे सानू कोई भोजन कराना है तो एक रोटी बेलड़े की बनाओ, उपर नमक पा के दे दो। फटाफट रोटी बना के दी, सतगुरु ने भोग लाया, चल जी मुड़ के फिर खूह ते पहुँच गए। दो दिन उत्थे रहे, सब मिले, और तीसरे दिन दोपहर तो बाद कोई पता नहीं लग्या किधर नू चले गए, किधर नहीं चले, किसी नू पता नहीं लगे कुछ भी, अलोप हो गए उत्थे ते। एक बार ही रामपुर धाम दे विच सतगुरु जी आए, तो कैलपुर धाम दे विच जाके इत्थों माता जी नूं मिलके कैलपुर धाम विच जाके 22-23 साल तक लगातार तप भजन किया, फिर उत्थे कौतक वरत्या, 30 साल दी होर अवस्था वधाई गई सतगुरां दी, ओ पावन शरीर दे नाल उन्हां दे जीवन दे विच 30 साल दा समां होर उन्होंने अपनी कृपा कर दित्ती संगतां दी सेवा वास्ते। उन्हां 30 सालां च सारे रंग वरस गए, सिराणी धाम प्रगट हो गया, बाणी प्रगट हो गई, सतगुर प्रगट हो गए, दुनिया दे विच महिमा सतगुर दी प्रगट हो गई। तो ये 30 साल दा जिहड़ा 85 साल तक सतगुरु जी दा पावन शरीर जिहड़ा है 85 साल तक दर्शन हुंदे रहे, संगतां नूं तारन वास्ते आए थे, आखिर विच 84 साल दी आयु थी उदों कंढी दे इलाके च मालेवाल आए थे, उत्थे संगतां ने जाके रामपुर धाम दीआं वी संगतां ने दर्शन कीते थे। तो उत्थे सारियां दुनिया नूं तारन वास्ते सतगुरु जी आए थे, सारे समाज विच कंढी दून वीत विच शरदा प्यार भरन वास्ते सतगुरु जी तीसरे अवतार विच 84 साल दी आयु विच आए थे। सब कुछ बख्श के बख्श गए थोड़े दिनां च ही, वह कुछ बख्श दिता जिहड़ा कि कई सालां दे विच भी वह कोई बख्श नहीं सकदा, इन्ना प्यार जिहड़ा बना दिता, जाने अनजाने हरेक दे हिरदे च गुजर समाज दे विच प्यार भर गया सतगुरु दे लई। रामपुर दे विच तां जिहड़े असीं जन्म लैंदे आ इत्थे रहिंदे आ, इन्हां दे हिरदे च तां प्यार होना जरूरी है, क्योंकि सतगुरु ने अवतार ही इत्थे लिया। ये मुंड है, उस कल्प वृक्ष का मुंड है, जिस कल्प वृक्ष थले अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ मिलता है, सतगुरु दे कोलों सब कुछ ही मिलता है। इसलिए ये रामपुर धाम तां बई
मुंड है, जड़ है, इतों ही सब कुछ शुरू होया। जे इत्थे नमस्कार असी कर ली तो सारे धामां दी नमस्कार दा महात्म रामपुर अवतार स्थान दे दरबार च, इत्थे बचपन दा निवास स्थान इस दरबार विच, इस नगरी विच आके इस भूमि ते नमस्कार करन नाल सारे तीर्थां दी यात्रा पूरी हुंदी है। इस वास्ते बंदी छोड़ महाराज दा पावन जीवन है। सतगुर पुरी वाले महाराज प्रवचन नहीं करदे थे, उन्होंने बाणी प्रगट करके स्वामी संत राम जी महाराज द्वारा बाणी लिखवाई, उन्होंने अखंड पाठ के रूप में प्रगट कर दिता और सत्कार करके सारी संगत को हदायत कर दी कि सब कुछ साडा बाणी है, इस बाणी नूं पढ़ो, सुनो, ध्यान दिओ, सतगुरु उपदेश कर रहे थानू। असी पहले जीवन में जो बाणी रचना की है वही बात साढ़े मुख तो निकल रही है, इस करके साडा असली उपदेश यही है, इसी नूं सांभो। ये बाणी तुहाडे वास्ते प्रगट कर दिती है ताकि तुहाडे जीवन में कोई शंका ना रहे, वो शंका न दूर करने वास्ते सतगुरु की बाणी है। इसलिए वो पावन अवतार सतगुरु पुरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी कबीर साहब महाराज तीसरे रूप च आए है, इत्थे सतगुरु तीसरे रूप च आए है। मालेवाल दे विच बचन किए थे कि काशी दे विच भंडारा किया सी ऐसा केशव बंजारे दे रूप च, अज मालेवाल विच ये भंडारा कर रहे हैं, अज मालेवाल दे विच ये भंडारा कर रहे हैं। ये सतगुरु के बचन है, मालेवाल जदों आए से उस वेले बचन किए सन। इसलिए बंदी छोड़ तो बंदी छोड़ महाराज है, गुप्त रूप दे विच आते हैं, साड़ी पहचान नहीं है, साड़ी वो अख नहीं है पहचानन वाली, कहिंदे रब ता ते तो बख नहीं पर देखण वाली अख नहीं, बिन रब दे दूजा कख नहीं, वो ते बिन है तो कुछ भी नहीं। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी सतगुर बंदी छोड़ महाराज लीला है, ये बहुत बड़ी पावन है साढ़े जीवन विच। साडा प्यार माता पिता नाल, भाई भैणा दे नाल, पुत्रां धियां दे नाल, रिश्तेदारां दे नाल, मित्रां दोस्तां दे नाल, किसी नाल भी संसार विच प्यार पै सकदा है, छेती पै सकदा है, पर सतगुर नाल साडा प्यार पैना औखा हुंदा है, क्योंकि सतगुर दी लीला नूं, सतगुर दे अवतार नूं, सतगुर दे रहस्यां नूं, सतगुर दे उपदेश नूं असी छेती समझ नहीं सकते, समझण दे वास्ते औखा लग रहा सानू, क्योंकि मन और माया साडे पिछे पए होए है। मन माया में रम रहा निकसत नाहीं मीत, जरा भी तो अलग होना नहीं चाहता मन और माया, मन और माया इकट्ठे हो रहे दोए। मन नहीं छाड़े माया, माया नहीं छाड़े मन, ना माया मन नूं छड़दी है ना मन माया नूं छड़दा है। ये मन आद निरंजन और आद माया एक दे ही नाम हैं, यही जम और जौरा है, यही आद निरंजन और आद माया है, यही साढ़े अंदर मन और माया है। कहंदे माया नहीं छाड़े मन, मन नहीं छाड़े माया, माया नहीं छाड़े मन, जुगन जुगन की होड़ है, दोनों की गई ठन, दोनों की को सलाह हो रही है, भाई ना तै मैनू छड़ना ना मैं तेनू छड़ना, पक्के हो गए असी फट ते सतगुर दे नाल कौन जुड़े। सतगुर कहंदे है थोड़ा जिहा संसार तो पिछे हो जा, उदास हो जा, वैराग धारण कर लै, ओपरा प्यार बना लै, मेरे नाल तेरा प्यार पै जाना। वो प्यार तदे पैना सतगुर नाल जे असी सतगुर नूं अपना एक खास वध के प्यारा समझ लिया, अपना सारे तो प्यारा जिगरी सतगुर नूं बना लिया, जिगरी प्यार, जिगर दा प्यार जिहड़ा कम करदा है साडा परिवार दे नाल, जिगरी प्यार हुंदा, जिगरी प्यार, वो प्यार छुटदा नहीं है, जाने अणजाणे
पक्का ही प्यार बजे रहिंदा। वो जिगरी प्यार संसार नाल पै गया, लेकिन सतगुर दे नाल जिगरी प्यार नहीं साडा पिया, ओपरा प्यार है। इसलिए टुटी जांदा बार बार, बार बार टुटी जांदा, बार बार टुटी जांदा। इसलिए सतगुर दे पता लगता कि सतगुर का प्यार किदां बनाना है, सतगुर का साडे नाल क्या संबंध है, सतगुर ने साडे ते किन्नी कृपा की है। तुसीं थोड़ा जिहा देख लो, जे सतगुर ना आते इत्थे तां सानूं थानूं किहने पुछना था, इत्थे किहने ये बाणी सुनानी थी, किहने ये सत्संग सुनाना था, किहने ये दर्शन करने थे, सवाल ही नहीं पैदा होंदे। जिद्दां होर पिंड हैगे उद्दां ही असीं ते रामपुरीए, उद्दां ही रामपुरीए ते असीं, इत्थे किहने बाहरों दुनिया कड़ी आनी थी जे सतगुर ना आते। भला ये रंग किदां बरसने थे, ये क्या कुछ दर्शन हो रहे सानूं रामपुर धाम दे विच, ये किदां दर्शन हो रही जे सतगुर ना दे। जे सतगुर ना दे तां इन्नियां मौजां सानूं कित्थों मिलनियां थी, हाँ ये गल्लां सुनन कित्थों मिलनियां थी, बाणी सुनन सानूं कित्थों मिलनी थी, आरती सुनन नितनेम सुनन कित्थों, महापुरशां दे दर्शन कित्थों होने थे। सब कुछ उहदे नाल मिलिया। दुनिया विच तां धोखेबाजी हुंदी है, स्वार्थ दा प्यार है। सुर नर मुंजन की यही रीति, स्वार्थ लग सब करे प्रीति। बाप दा पुत दा भी स्वार्थ दा प्यार है, आखिर स्वार्थ ही रह जांदा उहदे च। आखिर बाप पुत दी लड़ाई हो जांदी कि मैं नहीं तेनू देना, वह कहिंदा मैं तेनू छड्डना नहीं। देण लैण दा चक्कर पल पैंदा, जिथे प्यार उत्थे देण लैण दा क्या कम। पर प्यार स्वार्थ दा है, इस करके देण लैण मूहरे आ जांदा, प्यार पिछे रह जांदा। प्यार स्वार्थ दा दुनिया दे अंदर, स्वार्थ लग सब करे प्रीति। लेकिन ओ प्रेमियो, एको ही सतगुर है जिहड़ा बिना स्वार्थ ते साडे नाल प्यार कीता जी। ओ आ गया सतगुर साडे कोल, कहिंदे चल रामपुर दे लोकां नूं जगा दईए, इहनां नूं भी इस जीवन विच अपने नाल जोड़ लईए। ये कृपा करन वास्ते सतगुर आ गए, उन्हें बख्श दिता, गुरुआं दे रूप च आ गए, स्वामी संत राम महाराज दे रूप च आ गए, गुरु महाराज के रूप च, अमरनाथ महाराज, केवलदास महाराज, माई भगत के रूप च आके इत्थे मोहरां ला दित्तियां। हमेशा हमेशा दे लिए सतगुरु के दरबार की कृपा कर दी, वही कृपा चल रही है अज तो भी, अगे तो अगे भी अभी चलती रहनी है कृपा। ये सतगुरु की देन साढ़े लिए किड्डी बड़ी है, यदा आद अंत कोई नहीं है। क्या साढ़े बाप ने देना है सानू, क्या माँ ने देना है, क्या भाई ने देना, क्या भैन ने देना, क्या पुत्र ने देना, क्या ते कुछ भी नहीं दे सकते हो। आखिर तो लैण देण का चक्कर मुड़ के चल पैंदा है, कुछ देना लेना नहीं है। निस्वार्थ प्यार सतगुर दा है, सतगुर ने सत क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया, सानू दिता ही है सब कुछ, साढ़े ते कृपा ही कीती इत्थे आके, बेअंत जीवां ते कृपा कीती। लेकिन सारियां तो पहली कृपा रामपुर धाम के वासियां ते हो गई, इत्थे इस धरती नूं पवित्र करता सतगुर ने। इसलिए सतगुर दा देना कित्थों दे दांगे असीं, सतगुर दा देना नहीं दे सकते। बस यही विचार है साडे, यही ख्याल है, यही विचार है। इन्हां विचारां दे विच आके जे असीं गहराई नाल सोचदे आ, फिर साडा प्यार सतगुर नाल बन जाना है कि मेरा तो सतगुर है, आखिर विच मेरी बाँ उन्हें फड़नी है। असी देखते हैं जो बजुर्ग हो जाता प्राणी, घरदियां वालों कुछ निराश जिहा निराशता आती है, जब मूहरे बच्चे बोलते हैं, देखते हैं दुनिया दे विच, फिर वो सोचता है कि हुण शायद मेरा तो कोई रिहा ही नहीं, मेरा परिवार भी मेरा नहीं दिखता है, इत्थे भी छे चार हो रही है। आखिर फिर सतगुरां वल नूं नठदा कि चल आरती च जाइए, रोज़ मत्थे टेक लईए, खरे बख्शे देवे, कृपा ही कर देवे। आखिरी टाइम दौड़दा उधर नूं, लेकिन पहला ख्याल नहीं करता। फिर सतगुर कहिंदे हुण ठोकर खा के आया, आखिर विच पहला कुछ नूं हथ नहीं लगन दिता, पहला कहिंदा मैं नहीं जानता कौन है, मैं तो परिवार ही है मेरे वास्ते सारा कुछ। लेकिन आखिर विच जाके फिर होश आई, फिर नठिया उधर नूं,
पर फिर पछताया क्या हुआ, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, बुढ़ा हो गया हूँ, हूँ क्या हो सकता, ना सुनता पूरा, ना आती समझ आती, ना लेना नहीं देना नहीं। सतगुर का प्यार हिरदे च बनाने वास्ते बड़ी साड़ी खिच होनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा सतगुरु जिहड़ा सते लैंदा तो कुछ है नहीं, सानू बोल के भी नहीं दस दे, तेरे थोड़े ते कृपा की मैं, लेकिन कृपा करती, कृपा भी एड्डी बड़ी करती जिहदा ना आद है, ना अंत है, ना मध है, ऐसी कृपा कर दी सतगुरु ने। वो कृपा कौन कर दूगा, ऐसी कृपा कौन साडा ऐसा प्रेमी है जिहड़ी एड्डी बड़ी कृपा कर दूगा साडे ते। इसलिए भाई सतगुर सा दाता नहीं कोई, सतगुर जैसा कोई दाता नहीं है, सतगुर जैसा प्रीतम भी कोई नहीं है, सतगुर जैसा प्यारा भी कोई नहीं है, तो सतगुर जैसा तो कोई है ही नहीं। इसलिए सतगुर नूं मूहरे लै लो, बाकी दे नालों सतगुर नूं मूहरे लै लो, कोई इतराज तो करदा नहीं। प्यार करो सब दे नाल, समाज विच प्यार करो, परिवार नाल प्यार करो, लेकिन सतगुर दे नाल प्यार कुछ अलग बना के रखो, क्योंकि सतगुर जैसा तो कोई प्यारा है ही नहीं। जिन्हें सतगुर ने प्यार कर लिया, वो साहब दे प्यार विच लीन हो गया। प्रीतम पूरण ब्रह्म बिनानी, मेरी लाज रखो परवानी। वो प्रीतम है, वो पूरण पुरश है, वो सब दी लाज रखता है। वो आखिर विच भी कोई जा प्राणी हार के आ जावे, वो ते भी कृपा करता है, लेकिन प्राणी आप ही भुलिया होया, मन माया दे चक्कर विच अज्ञानता विच घिरिया होया, गल सुन नूं तैयार नहीं, उधर नूं लगन नूं तैयार नहीं, ऐसा ही चलता है। लेकिन सतगुरां वालों जे कोई कह है ना, भाई अपने पुत्र नूं सतगुरां दे दे, तू सारी जिहड़ी साडे कंढी दूण दी दसन चला गया, पुत था ती थी के को सारे पंजे को कह दे सतां के सतगुर दे लई, जो सतगुर दे दरबार विच आ उसी दी कृपा हो। मेरे ते कितनी कृपा हो रही है, कितनी कृपा सतगुर दी कृपा ने, असी आख ना सकते जी महिमा सतगुर दी, उस सतगुर दी महिमा नूं असी आख नहीं सकते। क्या बोल के दसांगे, क्या करांगे, उहदे चरणां दी धूड़ वर्गे भी है नहीं। इसलिए अनसरदे दे जां ड्यूटी लगी है तां ड्यूटी दे विच मोहरे होके बोलना जरूरी है, ड्यूटी नूं निभा लईए कुछ ना कुछ बचा हो जूगा। इसलिए सतगुर